गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हमारा 4 जो लेसन है वो है चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये कविता है। कविता 10-11 साल की एक लड़की जो चांद से गप्पे लड़ा रही है। इसके संदर्भ में हमें दिया गया है। कविता के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कविता का भावार्थ है, कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। वह चांद से कहती है कि आप गोल है पर आप जरा तिरछे नजर आते हैं। हम देखते हैं ये पूरा चांद गोल है पर आप हमें तिरछे नजर आते हैं। आपका वस्त्र ये पूरा आकाश है। यहाँ हम देख सकते हैं काला काला आकाश है। पूरा ये चांद के कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उन्होंने पहने हुए हैं, जिसमें तारे जड़े हैं। इस पोशाक के बीच में केवल आपका गोरा चिट्टा चेहरा ही दिखाई देता है। आप हमें बेवकूफ मत समझिए। हम जानते हैं कि आप तिरछे क्यों नजर आते हैं। आपको कोई बीमारी है तभी आप घटते हैं, तो घटते ही चले जाते हैं, फिर पूरी तरह गायब हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं तो ही बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तक पूरे गोल न हो जाए पता नहीं क्यों, पर आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती। अब हम कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब इसकी समझूती देखते हैं हम। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 1 में संकलित शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे से ली गई है। इसमें एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही है। लड़की कहती है कि आप एकदम गोल हो पर फिर भी जरा तिरछे नजर आते हैं। यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक
को अपने चारों ओर इस तरह फैला रखा है कि इसके बीच से बस आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। सेकंड पैराग्राफ, आप कुछ तीछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते हैं ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी। आप घटते ही हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाओ। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। ये लड़की कहती है कि जब आप घटना शुरू करते हो तो घटते ही चले जाते हो। हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि चांद कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है, और बढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो बढ़ते ही रहते हैं। तो जब तक बढ़ते हैं तब तक बिल्कुल गोल न हो जाओ। आपकी यह बीमारी ठीक ही क्यों नहीं होती। शब्दार्थ, कुल इसका अर्थ है पूरा, पोशाक इसका अर्थ है वस्त्र, दूसरा उसका अर्थ होता है कपड़े, चारों स्मित इसका अर्थ है चारों और, दूसरा उसका है अर्थ चारों दिशाओं में, नजर आना इसका अर्थ है दिखाई देना, गोकी इसका अर्थ है यानी, निरा इसका अर्थ है एकदम, दम इसका अर्थ है सांस, मरज इसका अर्थ है बीमारी। प्रश्न अभ्यास कविता से, एक, आप पहने हुए है कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, इसमें से दो ऑप्शन दिए हैं, क्या कहना चाहती है लड़की, चांद तारों से जड़ी हुई चादर उड़कर बैठा है, दूसरा अर्थ है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप पहने हुए है कुल आकाश इसका अर्थ होता है मेरे विचार से चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आपको ये आंसर ख यहाँ पे लिखना है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। दूसरा क्वेश्चन, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। यहाँ हमें दिन दिए गए हैं, अष्टमी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच, इसका कारण क्या हो सकता है। हम कविता पूरी पढ़ चुके हैं तो हमें इससे पता चलेगा कि कवि ने किस दिन गप्पे लगाए होंगे। तो पूर्णिमा के दिन, जो दिन होता है पूर्णिमा का दिन, उस दिन तो चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। उस तरह जो पूर्णिमा होता है उस दिन चांद तो पूरा गोल दिखाई देता है, तो उस दिन तो उन्होंने देखा नहीं होगा, क्योंकि हम कविता में पढ़ चुके हैं उन्होंने कहा है कि तुम तिरछे नजर आते हो, तो तिरछे किस दिन नजर आते हैं, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। इस दिनों में चांद कैसा दिखाई देता है, तिरछा यानी कि आधा, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आधा होता है उस दिन तिरछे नजर आते हैं। थर्ड दिया है उन्होंने हमें,
प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथम के दिन को तो वो गोल होता है, फिर थोड़ा आधा हो जाता है, तो चांद बहुत पतला दिख नज़र आता है। उस दिन कैसा होता है चांद, एकदम ऐसे पतले होते हैं, तो वो पतले होते तो उस दिन तो अष्टमी से, प्रथम से अष्टमी के बीच उन्होंने देखा नहीं होगा, क्योंकि उस दिन चांद कैसा दिखाई देता है, पतला। तो इसका सही आंसर है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। हम कविता में पढ़ चुके हैं, चांद कवि कहता है कि तुम तिरछे नजर आते थे, उन्होंने कब देखा होगा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद को देखा होगा, उस दिन उनके गप्पे लगाए होंगे। थर्ड क्वेश्चन, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिब का प्रयोग अधिक होता है। बिब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो मेरे मन से मैं इस कविता के तीन शब्द चित्र की आकृति देना चाहूँगी। इसका उत्तर है चांद। हम चांद को इस तरह लिख सकते हैं। फिर है गोल मटोल, और तीसरा शब्द है तिरछे। ये तीनों शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहेंगे। अनुमान और कल्पना। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। एक, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर ज़रूर चिढ़ेगा। जब वो लेखक उसे तिरछा कहता है तो वो चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और न ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि हम वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। क्वेश्चन टू, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। हमें शब्द दिए हैं पेड़, बिजली का खंभा, सड़क और पेट्रोल पंप। तो इसका उत्तर है सूरज के साथ गप लगाना। सूरज दादा आँख का गोला, बनकर क्यों फिरते हो, किसे देख जलते हो इतना, क्यों तुम आग उबलते ही हो, गुस्सा इतना क्यों है तुमको, ऐसे हमको मत देखो, पता मुझे है जल जल कर भी तुम जग को जीवन देते हो, पर इतना जलना भी क्या कि जीवन मरण बन जाए, अब थोड़ा पिघलो भी दादा,
यह तपन जरा घट जाए। सड़क के साथ गप लगाना और सड़क रानी घर तुम्हारा कहाँ कहाँ से आती है आती हो। और मुड़कर घूम फिर कहाँ चली जाती हो। थकती नहीं क्या तुम कभी रुकती नहीं हो क्या ज़रा। यह किस अनंत यात्रा पर निकल पड़ी हो तुम भला। बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। एक, चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है। तो चांद से गप्पे लड़की लड़ा रही है। सेकंड क्वेश्चन, चांद की पोशाक क्या है। तो हमने कविता में पढ़ा चांद की पोशाक आकाश है। थर्ड, चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण कविता में बताया गया है। तो चांद के घटने बढ़ने का कारण उसे एक बीमारी बताई गई है। फोर, चांद घटते घटते कब गायब हो जाता है। तो चांद घटते घटते अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। पांच, चांद बढ़ते बढ़ते कब गोल हो जाता है। तो हमें पता है कि चांद कब हमें गोल नजर आता है, पूर्णिमा के दिन। तो चांद बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन गोल हो जाता है। सिक्स, गप्पे लड़ाने वाली लड़की को चांद कैसा दिखता है। तो हम कविता में पढ़ चुके हैं वो लड़की को चांद पूरा तिरछा दिखता है। तिरछी नज़र वाला कहते हैं ना, इसलिए उन्हें तिरछा चांद दिखाई देता है। सेवन, चांद की पोशाक पर क्या जड़ा है। तो चांद का पूरा पोशाक है वो तो आकाश है, और आकाश में तो रात में क्या दिखाई देता है हमें, तारे। तो उसके पोशाक पर तारे जड़े हुए हैं। एट, चांद अपनी पोशाक कहाँ फैलाए हुए है। चांद अपनी पोशाक आकाश है, तो आकाश तो सभी दिशाओं में फैला हुआ होता है, तो उसकी पोशाक सभी दिशाओं में फैला हुआ है। नाइन, चांद तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक कि वह, कब तक वो बढ़ता रहता है, वो पूरा गोल न हो जाए, उसकी पूरी कड़ा खिल न जाए, वो पूरा गोल न हो जाए, तब तक वो बढ़ता ही जाता है। टेन, मरज शब्द इनमें से किस प्रकार का शब्द है। मरज शब्द विदेशज शब्द है। आपको आपकी नोटबुक के अंदर कविता पहले लिखनी है। आपको ये कविता है पूरी आपकी नोटबुक में लिखने की है, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ के बाद प्रश्न अभ्यास लिखना है, और लास्ट में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए, जो हमारे MCQ है वो आपको लास्ट में लिखने हैं। सब क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। आपको ये पूरा प्रश्न अभ्यास है, मैंने जो लिखाया है वो आप फुल सेंटेंस में उत्तर लिखना है।